टॉप 5 चेंजेस आफ्टर ओबी 46 अपडेट। हमारे गेम में बहुत ही जल्दी ओबी 46 का अपडेट आने वाला है और उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में वही चेंजेस के बारे में बात करने वाला हूँ और यह वीडियो दूसरे वीडियो से थोड़ी खतरनाक हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चेंजेस नंबर 5, कुछ दिन पहले हमारे क्लैश स्क्वाड में एफपीबी मोड आया था और वह मोड आपने शायद से जरूर से खेला होगा। और बताया जा रहा है कि आने वाले ओबी 46 अपडेट के बाद वह क्लैश स्क्वाड का एफपीबी मोड में रैंक सीजन भी देखने के लिए मिलने वाला है। और आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि आप अभी के टाइम में जो क्लैश स्क्वाड खेल रहे हो वह भी एक समय पे वह नॉर्मली मोड में आया था और बाद में सबने उसको प्यार दिया तो वह रैंक सीजन में आ गया था। और वैसे ही अभी के टाइम में जो एफपीबी मोड क्लैश स्क्वाड में आया था उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला है, तो वह क्लैश स्क्वाड के रैंक सीजन में भी आ सकता है। चेंजेस नंबर 4, ओबी 46 अपडेट के बाद हमारे गेम में एक न्यू इवो गन स्किन देखने के लिए मिल रही है और बताया जा रहा है कि वह गन स्किन स्कार की 2.0 गन स्किन होने वाली है। मतलब कि स्कार की दूसरी गन स्किन आने वाली है इवो गन। उसका लुक आप लेवल 4 पर कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलने वाला है और लेवल 5 पर उसका किलिंग इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है और लेवल 6 पर उसका इमोट देखने के लिए मिलने वाला है। पर अभी के टाइम में उसको अपलोड नहीं किया गया है, मतलब कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। यह इवो गन स्किन आपको बहुत ही जल्दी आपको गेम में देखने के लिए मिल सकती है। चेंजेस नंबर 3, हमारे गेम में न्यू 2 कैरेक्टर आने वाला है और बताया जा रहा है कि एक एमएस धोनी का कैरेक्टर है और दूसरा कुछ भी नहीं पता है कि वह कौन सा है। और वह मुझे एमएस धोनी कैरेक्टर के बारे में एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो जैसे ही इस दोनों कैरेक्टर के बारे में मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा कि वह एबिलिटी क्या है और वह कौन सा कैरेक्टर है। और वह वीडियो आपको सबसे पहले देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लग गया तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चेंजेस नंबर 2, हमारे पिछले ओबी अपडेट में नेक टर्न ऑटो अपग्रेड आ गई थी। मतलब कि आप जैसे ही एनिमी को किल करते हो वैसे आपकी गन में एट्रीब्यूट बढ़ जाएगा, मतलब कि लेवल बढ़ने वाला है 1-2-3 पर। क्या आपको पता है कि ओबी 46 अपडेट के बाद ट्रोगन में भी ऐसी ऑटो अपग्रेड चिप आ जाएगी। मतलब कि आप ट्रोगन से जैसे किल करोगे वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ने वाला है 1-2-3 पर, उसकी गन में डैमेज और रेंज दोनों ही बढ़ जाएगी। और ट्रोगन अभी के टाइम में ही बहुत खतरनाक है, तो आप सोच के देखो कि उसमें 3 चिप लग जाएगी तो वह कैसे चलेगी और सामने वाले एनिमी की हालत देखने लायक हो जाएगी। चेंजेस नंबर 1, फ्री फायर में एक न्यू गन देखने के लिए मिलने वाली है। उसको न्यू गन तो कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि वह ऑलरेडी हमारे गेम में है, पर वह केवल हमको कलहारी मैप ने देखने के लिए मिल रही है। हाँ, मैं हुक गन की बात कर रहा हूँ। और बताया जा रहा है कि ओबी 46 अपडेट के बाद वह हुक गन हमें बरमुडा में भी देखने के लिए मिलने वाली है। और सिंपल सी बात है कि वह पहले हमें क्लासिक मोड में देखने के लिए मिलने वाली है, फिर उसको सपोर्ट मिलेगा तो रैंक मोड में उसको ला दिया जाएगा। आप मुझे कॉमेंट में जरूर से बता देना कि आपका फेवरेट चेंजेस कौन सा है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।